जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय ने बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, एमएड और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बैक पेपर हुए थे ना 10 तारीख को, उसका रिजल्ट जारी कर दिया। 3 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया है। मैं 3-4 साल से अवध विश्वविद्यालय के बीएड को ट्रैक कर रहा हूँ और इन 3-4 सालों में पहली बार इतनी जल्दी रिजल्ट आई है। तो संचालक और अवध विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर के कार्य की डेफिनेटली हम सबको सराहना करनी चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद इस तरीके से विश्वविद्यालय का संचालन करने के लिए। केवल 3 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपका बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के साथ साथ एमएड और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बैक पेपर की परीक्षा हुई थी 10 तारीख को हुई थी और 13 तारीख को रिजल्ट जारी कर दी गई। तो अवध विश्वविद्यालय तो रिजल्ट कैसे चेक करेंगे आप, अवध विश्वविद्यालय के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, नीचे आइए, स्टूडेंट कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट एंड मार्कशीट का, ठीक है। तो इस रिजल्ट एंड मार्कशीट के ऑप्शन पे हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना है। और क्योंकि यह एग्जाम 2023 में हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे अब आगे 2023 को क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से व्यू रिजल्ट 2023 क्लिक कर लेते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे नीचे, क्योंकि ये लेटेस्ट ही रिजल्ट आया है तो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर बैक पेपर, बीएड सेकेंड ईयर बैक पेपर, एमएड फर्स्ट ईयर बैक पेपर के रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के बैक पेपर के रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं लाइव और आ जाते हैं। आपको यहाँ से अपना कॉलेज नाम देख लेना है, उसके बगल में आपका कॉलेज कोड दिखा रहेगा, तो आप वहां से मैच करा लेंगे। मैच कराने के बाद आपको सिंपली जो आपका कॉलेज समझ में आता है, जो आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई करते हैं, आपको वहां आ जाना है और साइड वाले पे क्लिक करना है व्यू रिजल्ट। और जैसे ही आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे एक व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर लिया, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है अपना रोल, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। जैसे आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, आपका कुछ इस तरीके से आपका पूरा रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम और आप रोल नंबर मैच करा लेंगे, ठीक है। ये है आपका ऊपर देख सकते हैं मार्कशीट 2022 बैक पेपर, ये आपके बैक पेपर की मार्कशीट यहाँ पे सामने खुल के आ गई। ये जो इन बच्चे का अगर हम बात करें, इन्होंने आईसीटी में बैक पेपर दिया था और इनके 67 मार्क्स आए हैं। बैक पेपर के बाद काफी मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो इनका 67 मार्क्स आया है और इस तरीके से इन्होंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया। तो अगर आप में से भी किसी ने बैक पेपर की परीक्षा फॉर्म भरी है, एग्जाम अटेम्प्ट किया है, तो यहां से आप अपना बैक पेपर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और यही समस्या आ रही थी आपके आगे के एग्जाम फॉर्म भरने में, तो अब कोई समस्या नहीं, अब इसके बाद आप आसानी से अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली क्या हैं, वो ये है दोस्तों कि इस बार विश्वविद्यालय काफ़ी जल्दी से सारे प्रकरण पूरा कर रहा है, जो भी प्रक्रियाएं हैं बहुत जल्दी से पूरी की जा रही है। तो हम आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट, सॉरी आपके एग्जाम जल्द ही कंडक्ट करा दिए जाएँ, आपके एग्जाम की स्कीम जल्द ही रिलीज कर दिए जाएँ। बाकी इस संबंध में जैसे कोई सूचना आएगी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं आप कि कब तक एग्जाम हो जाएगा? देखिए, अगस्त में तो हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 20 अगस्त से पहले ही करा दिया जाए, सी डेट से पहले ही, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगस्त में तो कंफर्म आपका हो जाना है। एक चीज तो श्योर है कि जब से मैम वाइस चांसलर बनी है, हर एक कोर्स को वापस उन्होंने अपने टाइम पे कंप्लीट करा दिया है। एक 31 अगस्त तक की डेडलाइन होती थी, उससे पहले सेशन ये कंप्लीट हो जाता था, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता था। और मुझे उम्मीद है कि इस सत्र के बाद से सारे कोर्सेस अपने फिर से वापस से अपने सही ट्रैक पे आ जाएंगे, उनका सही समय पे उनका कोर्स पूरा होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी। बाकी अगर अवध विश्वविद्यालय के बीए से संबंधित और कोई जानकारी मिलती है तो डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। आपको क्या करना है, अगर नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और अगर पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर बाकी कोई सवाल, सुझाव, मशवरा, कोई शिकायत भी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पे आपकी संभवतः पूरी सहायता की जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।